સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ પરમગુરુ પાઠશાળા સતકેવલ કેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા હું કાજલ હિંગુ આપ સ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું મેં કાજલ હિંગુ કક્ષા તીન હિ વિષય હિન્દી ઇકાઈ છ શબ્દ બનાવો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં આપકો અગલે વિડીયો મેં क्या सिखाया था आपको याद है ओके तो मैंने आपको इकाई चार में सही शब्दों की पहचान करवाई थी ओके तो आपने ये सब होमवर्क कर लिया होगा ओके तो आज हम इकाई पाँच शब्द बनाओ यानी शब्द बनाओ ये मैं आपको पढ़ाऊँगी और समझाऊंगी कि आपको ये शब्द कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है और समझना है तो हमारा पहला प्रश्न क्या है पढ़ो और समझो तो विद्यार्थी मित्रों आज मेरे साथ आपको पुस्तक लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ बोलो आम बोले आप सब मेरे साथ आपको बोलना है आम आम एनक एनक अंगूर अंगूर इमली इमली एक एक अजगर अजगर एक, एक, औरत औरत, उल्लू उल्लू ओखली ऊन ऊन ऋषि, ऋषि, तो तो ओके, मित्रों ये सब शब्द आपको बोलना होगा ओके तो आज मैं आपको इसका गुजराती में क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ आम यानी कैरी एनक यानी चश्मा अंगूर यानी द्राक्ष इमली यानी आमली एक यानी एक अजगर तो अजगर ईख यानी शेरडी औरत यानी स्त्री उल्लू यानी घुवड़, ओखली यानी खांडणियों ऊन तो ऊन ऋषि तो ऋषि ओके तो आपको समझ में आ गया ना ये शब्द ओके तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है खाली स्थान में उचित अक्षर लिख कर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो तो यू गुजराती में मैं आपको बताती हूँ खाली जगह में योग्य अक्षर लखी ने शब्द पूरा पूरो शब्द फरी लखो तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये चित्र दिए गए हैं तो चित्र देखकर आपको शब्द बनाना है तो यहाँ ज ग र लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा शब्द खुटता है ओके अ कौन सा अ लिखना है तो नीचे आपको दिए गए हैं दूसरी लाइन में तो यहाँ अजगर आपको लिखना है ओके ऋषि ओके ये कौन सा चित्र है ऋषि का तो यहाँ कौन सा मोड़ा खुदते हैं ओके तो यहाँ री लख री लिखना है क्या लिखना है री तो आपको दूसरी लाइन में शब्द लिखना है ऋषि ओके यहाँ है म तो उनसे आगे क्या लिखना है आ तो ये आम तो नीचे की लाइन पर आपको आम लिखना है और शब्द बन गया ये है एक तो यहाँ आपको ए लिखना है तो एक बन जाएगा तो नीचे आपको शब्द लिखना है एक पांचवा है इमली ये चित्र कौन सा है इमली का तो यहाँ आपको ई लिखना है और नीचे शब्द बनाना है इमली ये चित्र कौन सा है ओके एनक का तो यहाँ आपको ए लिखना है और एनक आपको शब्द बनाना है इक ये चित्र सेडी का है तो ये यहाँ आपको ख लिखा हुआ है तो यहाँ आपको ई लिखना है क्या लिखना है ई तो नीचे आपको शब्द ईख लिखना है ओके खली तो ये क्या कहते हैं हम ओखली वेरी गुड तो यहाँ आपको शब्द बनाना है ओखली उल्लू ये क्या है उल्लू यानी कुर तो यहाँ आपको उ लिखना है तो उल्लू ये शब्द आपको लिखना है औरत ये स्त्री का है चित्र तो आपको हिंदी में लिखना है औरत तो नीचे शब्द लिखना है औरत ये है उनका चित्र तो यहाँ आपको उ लिखना है क्या लिखना है उ तो उन ओके यहाँ कौन सा चित्र है द्रा द्राक्ष का ओके तो यहाँ अंगूर और गुर, तो आपको यहाँ अंगूर लिखना है शब्द ओके तो हमारा तीसरा प्रश्न है पढ़ो और समझो तो आपको यहाँ सब शब्द लिखे हुए हैं ओके तो ये सब आपको पढ़ना है और समझना है तो आपको मेरे साथ बोलना है कमल कमल मगर मगर पतंग पतंग रथ रथ थर्मस थर्मस यज्ञ यज्ञ टमाटर टमाटर जग जग बस बस नल नल ढकना ढकना, घर घर चरखा चरखा डफ डफ भगत भगत फल फल धनुष धनुष हल हल तो विद्यार्थी मित्रों आपने बोला ना मेरे साथ ओके तो हम अगले प्रश्न पर देखते हैं खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द को पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो यानी खाली जगह में योग्य अक्षर लखी ने शब्द पूरो करो और पूरो शब्द फरी थी लखो तो विद्यार्थी मित्रों ये सब शब्द है इसके आंसर मैंने आपको बुलवाया उसी में ही है तो आपको ये शब्द ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है ओके तो सबसे पहले चित्र कौन सा है ये तो सबको आएगा है ना ओके तो बोलिए ओके वेरी गुड ये चित्र घर का है तो आपको ये शब्द लिखना है घर. दोनों में लिखना है के आगे भी लिखना है और नीचे दिए गई लाइन पे भी घर लिखना है ओके दूसरा चित्र है कौन सा है बस का वेरी गुड तो यहाँ आपको ब लिखना है और नीचे बस ये शब्द लिखना है म खाली जगह र तो ये कौन सा चित्र है मगर का तो यहाँ ग लिखना है आपको और नीचे म घर शब्द लिखना है न ल तो यहाँ ल के आगे आपको न लिखना है और नीचे नल शब्द आपको लिखना है ये है हल का चित्र किसका है हल यानी ह लिखना है ल तो लिखा हुआ है तो यहाँ सिर्फ ह लिखना है ओके okay? तो आपको शब्द बनाना है ह ल वेरी गुड ये चित्र रथ का है कौन सा है रथ का तो यहाँ र तो है तो कौन सा शब्द कौन सा वर्ण नहीं है थ का वेरी गुड तो यहाँ र थो तो यहाँ आपको शब्द लिखना है र थ तो ये चित्र कौन सा है ओके तो ये पतंग का चित्र है तो आपको यहाँ प लिखना है और नीचे शब्द पतंग लिखना है ट तो ट तो, से टमाटर तो यहाँ आपको ट तो लिखना है तो टमाटर आपको ये शब्द लिखना है दूसरा चित्र है ढकना तो यहाँ आपको ढ लिखना है ओके तो नीचे आपको लख लिखना है ढकना तो अगले चित्र पर देखते हैं ये है एक धनुष का चित्र कौन सा है धनुष तो यहां कौन सा शब्द खुटता है ओके ध तो आपको ध लिखना है और शब्द बनाना है तो ये शब्द कौन सा बनेगा धनुष ओके तो ये है किसका है ओके तो ये शब्द डफ का है यानी डफली ओके तो यहाँ आपको ड लिखना है और शब्द बनाना है थर्मस ओके तो यहाँ आपको स लिखना है और थर्मस शब्द बनाना है ये है जग का चित्र किसका है जग यानी जगत थाय तो यहाँ आपको ज लिखना है और जग का शब्द बनाकर लिखना है ये है चरखा तो यहाँ आपको च लिखना है क्या लिखना है च तो नीचे शब्द आपको बनाना है चरखा यानी चरखा तो ये शब्द कौन सा है सॉरी ये चित्र एक भगत का है तो यहाँ आपको भ लिखना है और नीचे शब्द भगत लिखना है कमल, तो यहां आपको क लिखना है और नीचे कमल शब्द लिखना है ये चित्र अगला चित्र एक यज्ञ का है ओके तो यहाँ आपको ज्ञ लिखना है तो यज्ञ और लास्ट में क्या है फलों की टोकरी है तो टोकरी में क्या है फल तो यहाँ आपको फल लिखना है तो विद्यार्थी मित्रों पांचवा प्रश्न है हमारा पढ़ो और समझो तो ऐसे ही है मैंने आपको अगले में सिखाया ना वैसे ही आपको यहाँ लिखना है ओके तो यहाँ योग्य क्रम में गोटवान ओके, लड़का पहले हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपको मेरे साथ बोलना है लड़का लड़का गाय गाय, इमली, तो इमली चूहा चूहा गौरैया गौरैया पतंग पतंग एनक एनक सूरज सूरज बंदर बंदर बगीचा बगीचा दवात दवात तो विद्यार्थी मित्रों आपने बोला ना मेरे साथ ओके तो हमारा छठा प्रश्न है अक्षरों को उचित क्रम क्रम में लिखकर सही शब्द बनाओ यानी अक्षरो ने योग्य क्रम में लखी ने साचो शब्द बनाओ तो विद्यार्थी मित्रों अँ आप तमारे योग्य क्रम में शब्द लखी साचो शब्द बनावानो छे ओके तो पहला क्या है आपको उदाहरण दे दिया गया है ओके तो यहाँ है यगा यानी चित्र में क्या है एक गाय का चित्र है तो आपको गाय शब्द बनाना है ओके योग्य क्रम में आप लिखवानु तो ऐसे ही ये पतंग का चित्र है कौन सा है पतंग तो यहाँ कौन सा लिख लिया है योग्य क्रम में आपको लिखना है तो यह पतंग है तो आपको यह पतंग लिखना है ये है जरसु तो ये जरसु का चित्र है विद्यार्थी मित्रों नहीं है ना ओके okay, तो किसका है आप बोलो ओके वेरी गुड ये है सूरज का चित्र तो आपको ये सूरज लिखना है ये चित्र रिकप का है नहीं ना तो ये बकरी का चित्र है तो यहाँ आपको बकरी लिखना है और सही क्रम में लिखना है तो ये चित्र किसका है दमर किसका है दबर का है नहीं बंदर का वेरी गुड तो यहाँ आपको बंदर लिखना है तो ये चित्र किसका है मली मली का है नहीं इमली का है तो आपको यहाँ इमली लिखना है तो ये अगले चित्र हम देखते हैं ओके okay. तो काडल तो ये चित्र किसका है काडल का है नहीं ये हम उचित क्रम में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे लड़का वेरी गुड तो ये चित्र लड़का का है तो आपको ये लड़का लिखना है चागीब ये चित्र चागीब का है नहीं तो कौन सा है बगीचा ये चित्र बगीचा का है हाँचू हाँचू यानी चूहा ओके okay. तो ये उचित क्रम में लिखकर सही शब्द बनाने हैं आपको तो हाचू चू तो चूहा तवाद तो इसे क्या कहते हैं दवात नएक।, नएक नएक यानी अनेक सॉरी नएक यानी एनक एनक यानी चश्मा रैया गो रैया गो यानी गो रही हो। इसे क्या कहते हैं गोरैया क्रम में लिखकर सही शब्द मैंने आपको बताया और मैंने आपको लिखवाया तो आपको आ गया होगा है ना ओके तो आपको ये भी नोट डाउन करना है और पुस्तक में भी लिखना है तो विद्यार्थी मित्रों आपको इकाई तीन सॉरी इकाई कौन सा है मैंने आपको पढ़ाया पांच शब्द बनाओ तो मैंने आपको ये सब चित्र में शब्द बनाने का मैंने सिखाया तो आपको ये सब पुस्तक में लिखना है और नोट में भी लिखना है ओके तो तब तक अस्तु सत सत्य केवल साहेब